पीएम किसान योजना आज ही करे चेक, कहीं आपकी तो नहीं अटक सकती 16वीं किस्त, ऐसे लगाए पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। भारत सरकार वैसे तो कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिनका लाभ विभिन्न वर्गों के लोग ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए भी भारत सरकार एक योजना चलाती है, जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो पात्र किसान होते हैं, उनको सालाना 6000 रुपए देने का प्रावधान है और इस पैसे को साल में 3 अलग अलग किस्तों में 2-2 हजार के रूप में दिया जाता है। वहीं इस बार 16वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन शायद आप नहीं जानते हो कि कई किसान ऐसे भी हैं जो इस लाभ से वंचित रह सकते हैं, यानी उनकी किस्त अटक सकती है। तो चलिए जानते हैं ये किसान कौन है। इन किसानों की अटक सकती है किस्त। जिन किसानों की किस्त अटक सकती है, उनमें पहले किसान वे हैं जिन्होंने EKYC का काम पूरा नहीं करवाया है। नियमों के तहत हर लाभार्थी को ये काम करवाना जरूरी है और न होने पर वे किस्त से वंचित रह सकते हैं। अगर आप EKYC करवाना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी CSC सेंटर जाकर इस काम को करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी बैंक जाकर भी EKYC करवा सकते हैं, या फिर आप आधिकारिक पोर्टल pmkisan.government.in के जरिए भी इसे करवा सकते हैं। अगर आपने योजना के फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती की है, जैसे गलत नाम भरा है, नाम अंग्रेजी की जगह हिंदी में लिखा है, जेंडर गलत भरा है या फिर आधार गलत नंबर दर्ज है आदि, तो ऐसे किसानों की भी किस्त अटक सकती है। इसलिए इन चीजों को ठीक करवा लें। अगर आपने भू सत्यापन का काम नहीं करवाया है, तो भी आपकी किस्त अटक सकती है। योजना से जुड़े हर किसान को ये काम करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपके द्वारा दी गई बैंक खाते की जानकारी गलत है, तो भी आप किस्त से वंचित रह सकते हैं। किसान संबंधित हर प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।